आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा मुझसे आप लोग ये बताइएगा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सिविल सर्विस सॉरी एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए सोच रहे हैं, या इसके पहले आप में से जो लोग जिन्होंने एसएससी के एग्जाम को ऑलरेडी दे रखा है, प्लीज जरा उसके बारे में बताइएगा, फिर आज के सेशन को प्रोसीड करेंगे। देखिए, इस सेशन का मोटिव ये है, एक तो हम एक दूसरे को जान लें, और चूंकि हम पहली बार यानी ए शाज इंस्टीट्यूट जो है वो आईएएस के लिए जाना जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम वी आर लॉन्चिंग द एसएससी कोर्स, तो उसके लिए भी थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। आई एम वन ऑफ द फैकल्टी एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, सो मैं थोड़ा सा अपने बारे में आप सभी लोगों को बताऊंगा, एंड हम ये देखेंगे एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से होता है, या फिर इस एग्जाम को लेकर हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। तो इन सभी विषयों पे हम बात करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा ये जानना है, आप सभी लोग कमेंट के जरिए ये बता सकते हैं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम से परिचित हैं। अब एसएससी के एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, आपका सिविल सर्विसेज के एग्जाम के पैटर्न से कहीं हटके आपके एसएससी का एग्जाम होता है, और एसएससी का जो एग्जाम होता है ना उसमें कई सारे एग्जाम, जैसे आप देख सकते हो एसएससी का सीएचएसएल एग्जाम होता है, सीजीएल जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, अभी रिसेंटली पिछले 2 टर्न से ऐसा हुआ है कि उसका फॉर्मेट में भी चेंजेस है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और एक दो विषय और है कि आज के समय में जिसके हाथ में मोबाइल है या फिर डिवाइस है उनके लिए किसी भी रिसोर्स की कमी नहीं है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जहां पे YouTube की दुनिया ऐसी है जहां पे पढ़ने के लिए आपके पास अथाह समुंदर है, लेकिन जब आपको समुद्र मिल जाए तो उसके भीतर आपके काम की चीज आपको तलाशना कैसे और उसके लिए काम करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहां पे एक चैलेंजेस भी आते हैं, तो उसको लेकर भी हम बात करेंगे कि ये जो कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं क्यों ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, क्यों आपको उसको ज्वाइन करना चाहिए, वो सारे विषयों पे बात करेंगे। लेकिन मैं आप सभी लोगों से जैसा मैंने कहा ना कि आप लोग एक बार के लिए मुझे बताइएगा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी कोई जो है वो एसएससी का एसएससी या फिर एसएससी पैटर्न का एग्जाम भी हो सकता है, इवन दो स्टेट के एग्जाम भी कई बार एसएससी के पैटर्न को फॉलो करते हैं, या फिर जिस पैटर्न पे एसएससी का एग्जाम होता है उसी पैटर्न के एग्जाम्स होते हैं। तो आपने स्टेट का अगर कोई एग्जाम दिया हुआ है तो उसके बारे में बताइएगा, फिर हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले मैं एक विषय आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि हम ये जान लें कि हमारा ये जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम है ना वो कैसा होता है, और 2024 चूंकि अभी आज के समय में यदि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उसका मतलब आप अगले वर्ष यानी 2024 के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो 2024 में एग्जाम कैसे होगा या किस तरीके से उसका पैटर्न रहेगा या पिछले वर्षों में क्या पैटर्न रहा है, उन सभी के विषय के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम बसंत त्रिपाठी है। 2009 व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमएससी मैंने किया है, बॉटनी एंड केमिस्ट्री वाज माय सब्जेक्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी, और उसके बाद 2009 चूंकि 9 में ही मैं ग्रेजुएट हो रहा था, उसी समय की बात है कि मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। सो इट्स बीन मोर देन 13 ईयर्स ऑफ टीचिंग, जिसमें मैंने बैंक के एस्पिरेंट्स, एसएससी, रेलवे या फिर डिफेंस के जो भी विद्यार्थी हैं उन सभी को लंबे समय तक गाइड किया अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। इंडिया के जो सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अच्छे लंबे समय तक मैं कार्यरत रहा हूं, और भारत के लगभग सभी कोनों में मैं पढ़ाया, आपके महाराष्ट्र से लेकर अगर हम बात करें जम्मू तक की, इधर दूसरी साइड में वेस्ट बंगाल, और दूसरी साइड में अगर हम बात करें तो असम, नॉर्थ ईस्ट वगैरह सभी कुछ, साउथ के सारे एरियाज में मैंने टीचिंग करी है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखने में मिला है कि एग्जाम्स में लगातार हर बार ऐसा हुआ कुछ ना कुछ पैटर्न्स में चेंजेस हुए। लंबे समय तक एग्जाम को देखने के कारण ये एक अनुभव है कि आगे के आने वाले समय में एग्जाम्स में किस तरीके के परिवर्तन हो सकते हैं। तो उम्मीद ये है कि मैं आपको बेहतर गाइड कर सकता हूं, लाखों विद्यार्थी पढ़ा चुका हूं और बहुत सारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी सिलेक्ट भी हो चुके हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आगे आने वाले समय में आप भी हमारी सेवा लेंगे। सेवा हमारी इसका मतलब सीधे यही है कि मैं यदि यहाँ पे आपके सामने बैठा हूं तो आपके लिए ही बैठा हूं और आपकी ही सेवा के लिए बैठा हूं। सेवा का तात्पर्य यह है कि मैं आपको गाइड कर पाऊं बेहतर तरीके से आपके करियर पाथ में।
और कई बार ऐसा होता है ना कि मेंटोर की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसा मैं एक बात आप लोगों को कह भी रहा था कि देखिए यूट्यूब एक ऐसा समंदर है जहां पे बहुत कुछ है। कई बार हमारे पास आज के समय में जितना फास्ट कंपटीशन है ना, इतना वक्त हमारे पास नहीं है कि हम इस बात का पता लगाने के लिए खुद जिम्मेदारी ले सकें कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और जब बात आती है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है उसकी, या सही रास्ता क्या है, कम समय में अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए सही रास्ता क्या है, तो उसके लिए आपको एक गुरु या मेंटोर की जरूरत पड़ती है। ए शाह इंस्टीट्यूट के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पता है, आईएएस या सिविल सेवा परीक्षा में बहुत लंबे समय से कार्यरत हैं और जाने माने हैं, तो एक अच्छा समय हो चुका है। पहली बार हम कदम रख रहे हैं एसएससी सीजीएल में, यानी एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर फर्स्ट टाइम हम आपके सामने आ रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि पहली बार है और ये बहुत जोरदार होगा, बिल्कुल आप लोगों के लिए होगा और आप लोगों के भले के लिए होगा। मैं कोशिश ये करूंगा अपने इस पूरे कोर्स के दौरान कि आपको सबसे बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है कंटेंट। ऑन द सेकेंड मोस्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज की टीचिंग, है ना। कोशिश ये रहेगी कि एक बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता है, आप में से जो लोग पहली बार एसएससी का एग्जाम देने जा रहे होंगे या फिर उसके पहले भी जो लोग दे रहे होंगे, हम उन सभी लोगों को गाइड कर सके, यानी जीरो लेवल से लेकर एक जो हाईएस्ट लेवल हो सकता है इस एग्जाम में आने वाले प्रश्नों का, उन सभी प्रश्नों उस तरीके सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊं। और ये लंबा अनुभव होने की वजह से ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे हम बात कर रहे थे यूट्यूब के लिए, YouTube में बहुत सारा ऐसा कंटेंट है, आप सभी लोगों को पता होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कंटेंट है। तो एक बार जहन में आता है कि क्यों फिर हम किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े और क्यों हम किसी कोर्स को लें। आज के समय में एक व्यक्ति को अगर आप बता दीजिए कि YouTube में पढ़ने के लिए सब कुछ है किसी भी एग्जाम को लेकर, यानी आज अगर मुझे कोई कह दे कि आपको जो है वो साइंस की पढ़ाई करनी है या फिर आप रॉकेट साइंस की पढ़ाई करनी है, मेरे को बोल दे कोई, तो YouTube में मे भी हो सकता है कि बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल हो, पर सही दिशा, कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ तक जाना है इसके बारे में आइडिया मुझे नहीं है। तो एक मेरा लंबा समय इस बात के सर्च में जा सकता है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। और ये समस्या हर उस व्यक्ति के साथ, हर उस विद्यार्थी के साथ होती है जो विद्यार्थी पहली बार किसी एग्जाम को देने जा रहा है और वो सोचता है कि YouTube के जरिए हम सब कुछ कर सकते हैं। तो वहां पे एक प्रॉब्लम आएगी आपको, ये कि आपको ये समझने में ही एक लंबा वक्त निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक साल आपको ये लगाने में निकल गया कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, क्या चीजें पढ़नी है, क्या प्रॉपर है, क्या एग्जाम रिलेवेंट है, ये सब करने में अगर आपको लंबा समय लग गया तो कहीं ना आपका बहुत लंबा समय वेस्ट हो गया। और जैसा मैंने कहा कि एग्जाम जो है वो बहुत फास्ट है, आज का कॉम्पिटिशन बहुत फास्ट है, आपके पास समय ही नहीं है किसी भी चीज के लिए। तो जो रिसर्च की जिम्मेदारी है, यानी क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो सारी जिम्मेदारी आप हमारे कंधों पर डाल दीजिए। हम आपको सब कुछ रिसर्च करके क्या एग्जाम में आ रहा है, क्या जरूरी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सारा कुछ हमारे जिम्मे है और वो सब कुछ हम करेंगे। बाकी जो चीजें हैं, जो मेहनत का कार्य है, वो आपको करना रहेगा। और इसी के लिए आप हमारे साथ जुड़िएगा। जो कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा चल के देखते हैं कि एग्जाम का हमारा पैटर्न कैसा रहता है। तो 2024 में यदि आप देखोगे तो एग्जाम का कुछ ये पैटर्न रहता है, दो सेक्शंस होते हैं और आप लोगों को पता ही होगा जो टीयर वन है टीयर टू है, दो टीयर में एग्जाम होते हैं। आजकल फॉर्मेट में भी चेंज हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया लास्ट दो जो एग्जाम हुए हैं वो नए फॉर्मेट में एसएससी के हुए हैं। परिवर्तन ये है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो केवल प्रीलिम्स में आया करते थे और मेंस में नहीं आते थे, ऐसा हुआ कि अब वो सब्जेक्ट मेंस में भी आ रहे हैं और मेंस में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी, तरीका भी बदल गया है, तो उसकी एडॉप्टेबिलिटी भी आपके लिए बेहद जरूरी है। तो इसलिए उसमें भी कंटेंट की लिमिटेशन है अगर आप ओपन सोर्स से पढ़ने जाएंगे तो। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेक्शन है वो, जैसे सबसे पहले दो सेक्शंस में हम आते हैं। एक सेक्शन आपको दिख रहा होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, टोटल मार्क्स आपको 50 यहाँ पे रहते हैं। वहीं पे दूसरा सेकेंड सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस है, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स के लिए, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन जो आपका आता है 25 क्वेश्चंस आते हैं एंड 50 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 100 और उसके लिए मार्क्स आपके आते हैं 200।
अब यहाँ पे कम्युलेटिव टाइम होता है, यानी 60 मिनट आपको मिलेगा टीयर वन में इसको क्वालिफाई करने, यानी सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको एक एक कम्युलेटिव टाइम मिलता है, जिसमें 60 या फिर उसे कंपोजिट टाइम के रूप में कह सकते हैं 60 मिनट्स यानी 1 आवर आपको मिलता है। अब ये जो प्रिलिम्स का एग्जाम होता है ना, ये एग्जाम आपका स्पीड ओरिएंटेड होता है, यानी ये जो पहला सेक्शन, जो पहला टीयर वन है आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम का, वहां पे आप सभी लोगों को स्पीड पे काम करना, यानी यदि आपकी स्पीड अच्छी है तो ये आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तो इसमें हम फोकस करेंगे, जब हम टीयर वन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो हम कोशिश यही करेंगे, सिर्फ प्रश्न को हल करना नहीं, उसको तेजी से हल करना कैसे है उसके बारे में हम बात करेंगे और उसी का हम अभ्यास करेंगे, यानी हमारी एक्यूरेसी भी रहे और हम जो है ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि आज के समय में मेरिट में आने के लिए आपको पता है मार्क्स अधिक होने चाहिए, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे यहाँ पे। फिर बात आती है टीयर टू की। टीयर टू में जैसा आपको देख सकते हैं सेक्शन वन, अलग अलग 3 सेक्शंस आपको मिलेंगे। सेक्शन वन में 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। यहाँ पे एक चेंज है, तो हम बात यहाँ कर रहे थे कि जो सेकेंड मॉड्यूल है ना आपका, वो आपके यानी जिसे आप एक तरीके से टीयर टू या फिर मेंस के रूप में भी कह सकते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स है वहां से 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, और रीजनिंग एबिलिटी से भी आपके, या फिर रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपके 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से आप ये देख सकते हैं 23% और 23% इनका वेटेज है। फिर बाकी सेक्शंस इसी तरीके से सेक्शन 2, सेक्शन 3 जो आपके अलग अलग है, और हर एक सेक्शन में दो दो मॉड्यूल्स दिए गए, अलग अलग सब्जेक्ट का टेस्ट आपका होता है, तो ये जो पैटर्न है एग्जाम का, इसमें काफी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब चूंकि ये चेंजेस बहुत पहले के नहीं है, हाल के चेंजेस हैं, तो इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ने वाली है। और वो जब गाइडेंस की जरूरत आपको पड़ने का मतलब ये हुआ कि आप किसी के सानिध्य में रह के, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि किसी के सुपरविजन में अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप ज्यादा इफेक्टिव होंगे। कहने का सेंस ये है कि यदि आप किसी जगह पे बहुत ताकत लगा रहे हैं, बहुत मेहनत में भी आप कर रहे हैं, एंड इफ द डायरेक्शन इज नॉट करेक्ट तो वो वेस्ट है ना, वहां पे समय भी वेस्ट है और ऊर्जा का भी वेस्ट है। तो इसलिए जरूरी ये हो जाता है कि आपकी दिशा बहुत सही हो, और सही दिशा में आपको लाने के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ने वाली है, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों को कह रहा हूं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे आने वाले समय में आप हमारे साथ इस कोर्स के जरिए जुड़ेंगे, क्योंकि कोर्स की फीस स्ट्रक्चर को यदि आप देखेंगे तो मार्केट, अगर कंपटीशन अगर आप मार्केट के हिसाब से देखेंगे, दैट इज वेरी नॉमिनल और बहुत इफेक्टिव है, किसी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आई थिंक जिस काम के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उसमें अगर आपको सफलता मिल जाती है, तो ये जो भी इन्वेस्टमेंट आपका कहलाएगा, जो भी पैसे आप इस कोर्स के लिए लगाने वाले हैं, तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि आगे आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो एक सब्जेक्ट मेरा है रीजनिंग, जिससे हम आपके साथ जिसको लेकर रेगुलरली कनेक्ट होते रहेंगे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि इसका एक मॉड्यूल है, बहुत ज्यादा जो है वो इसमें कोई मुश्किल होने वाली नहीं है, लेकिन चूंकि जब मेंस की बारी आती है तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऐड हो जाते हैं, प्रिलिम्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत परेशानी खड़ी करने वाले होते हैं, तो इन टॉपिक्स के यदि बेसिक्स को आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे और उसमें लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल के क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाएंगे, जो कि मैं आपके साथ कराने वाला हूं, ऐसा होने के बाद आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड होंगे, यानी आप सही दिशा में कार्य यदि करेंगे तो कम समय में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप हमारे साथ ऐसा जुड़े रहेंगे और ऐसा करेंगे सर। आप टॉपिक्स की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक टॉपिक है अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड मिसलिनियस सीरीज। अब कहने के लिए ये टॉपिक बिल्कुल आसान टॉपिक हो सकता है, यदि मैं आपसे कहूं कि ये टॉपिक में कुछ नहीं है, केवल अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर जेड तक उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, पर आपके जहन में आएगा कि क्या इतना आसान है अगर वो एक नौकरी देने वाला एग्जाम है? बेशक, पर यह है कि अगर आप इनके इस पर्टिकुलर टॉपिक या इन अल्फाबेट से रिलेटेड पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में नहीं जानते तो आपके लिए मुश्किल है। अब जैसे मसलन मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में देता हूं, मैंने यहां पे आपको लिखा कि ए है, देन सी लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है,
जे लिखा हुआ है। और यहां पे अगला पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्या होगा। अभी मेरे को आप में से जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो बताएंगे कि अगला एलिमेंट यहां पे क्या होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, आपका जो अंग्रेजी वर्णमाला है ना, इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज जिसे हम कहते हैं, उन्हीं से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पर एग्जाम में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। हालांकि ये बिल्कुल बेसिक लेवल का सवाल है, इससे हायर लेवल के प्रश्न ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, पर पूछे जरूर जाएंगे। अब यहां पे लिखा हुआ है ए, देन लिखा हुआ है सी, देन लिखा हुआ है एफ, देन लिखा हुआ है जे, एंड देन एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है एंड पूछता है कि ये प्रश्नवाचक या क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या एलिमेंट आएगा। उसके लिए आपके पास चार विकल्प हो जाएंगे। अब अगर मैं विकल्प आपको दे दूं तो हो सकता है कि आप आसानी से इसका आंसर कर जाए, लेकिन विकल्प के अलावा यदि विकल्प ना भी दिया जाए तो भी आप इस प्रश्न के लिए उत्तर कर सकते हैं। एम एन ओ और यहां पे पी लिखा हुआ है। अभी आपको बोलना है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। आप में से कोई यदि बताना चाहे। सर ओ इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। देखो, करेक्ट करेक्ट। देखो, अभी आपको ए का प्लेस वैल्यू मालूम है, वन होता है प्लेस वैल्यू। इन द सेंस जो अल्फाबेट की सीरीज है ना, वहां पे पहला अल्फाबेट लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट अल्फाबेट होता है ए, तो उसको हम नंबर करते हैं वन। सेकेंड लेटर इज बी, सो वी हैव टू नंबर दैट टू। ओके, फिर थ्री आता है, फोर फाइव सिक्स, सो 1 to 26, जैसा जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं। अब यहाँ पे दो चीज आपको पता होनी चाहिए, ऑपोजिट्स होते हैं अल्फाबेट्स के। ऑपोजिट इन द सेंस एक अल्फाबेट जो बाई तरफ से पहला है तो उसके सापेक्ष दाई तरफ से पहला अल्फाबेट कौन सा। सो फर्स्ट फ्रॉम राइट विल बी जेड, सो ए एंड जेड इज टू बी ऑपोजिट टू ईच अदर, कुछ इस तरीके से। तो प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट्स आपको याद होंगे, फिर कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, यदि वो आपको बता दिया जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने होगा आप इजिली कर पाएंगे। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ए के लिए वन, सी के लिए आप देख सकते हो थ्री, एफ के लिए होता है सिक्स, एंड जे के लिए होता है 10, एंड देन यहाँ पे पूछ रहे हैं। अब आप देखो 1 to 3 के बीच में गैप कितने का है बच्चे, यहाँ पे +2 है, दो अंक आगे बढ़े। 3 से 6 यदि हम बात करें, 3 स्थान आगे गए। 3 + 3 6 होता है। 6 से 10 यदि आप देखोगे तो यहां पे आप बोलोगे +4 होने पर 10 आएगा, बराबर है, +4 होने पर 10 आएगा। नेक्स्ट में यहां से यहां पे +4 होने पर 10 आएगा। अब यहां से +5 होना चाहिए तो आपको नेक्स्ट मिलेगा, सो 15, 15 लेटर्स ओ। यदि आपको प्लेस वैल्यू मालूम है तो आपका ये फास्ट तरीका होगा, अदरवाइज यू गोना काउंट लाइक दिस ए बी सी लाइक दिस। ओके, देन फ्रॉम सी डी ई, देन एफ जी एच आई, देन जे के एल एम एन, देन ओ। इस तरीके से आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यानी वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमें समय भी बचाना है। तो क्या विधियां होती हैं जिससे हम समय बचा सकते हैं, उसको भी सीखेंगे। अब बात आती है कोडिंग एंड डिकोडिंग की। ये कोडिंग एंड डिकोडिंग तब आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको अच्छे से आ जाएगा। अगर मैं बात करूं अल्फाबेटिकल ऑर्डर से रिलेटेड, तो आपके एग्जाम में लेके 1 से लेकर 4 प्रश्न तक पूछे जाते हैं। अगर मैं केवल टीयर वन की बात करूं, अब ये नहीं है कि 4 ही क्वेश्चन हर बार पूछा जाएगा, 1, 2, 3, 4 ऐसी संख्या अक्सर एग्जाम में रहती है। देन कोडिंग एंड डिकोडिंग आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पूरी तरीके से रिलेट करता हुआ होता है। यदि पहला टॉपिक अच्छे से आता है तो दूसरा टॉपिक आप कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब मैं एग्जाम्पल के लिए मैं आप सभी लोगों को एक जो है कोड देता हूं। सपोज दैट चेयर लिखा हुआ है ना, चेयर लिखा हुआ है, और इसके लिए एक कोड लिखा हुआ है आई R Z S X। तो आपको बताना है टेबल के लिए क्या कोड बनेगा, टेबल। ओके, सारे लोग बोलेंगे ऐसे में टेबल के लिए क्या कोड बनेगा, और मैं आपको बोलूं यहां पे मैं कुछ ऑप्शंस भी आपके सामने रखता हूं, ठीक है। बस आप क्या करना, ऑप्शन बोल देना। तो ऑप्शन आपके पास है, बोलो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है यहां पे सही उत्तर के रूप में होना चाहिए, कोई आप में से जो बताना चाहे बोलिए। बताइएगा,
किसी को समझ में आ रहा है कुछ? देखिए, अगर आप देखो ना, तो यहां पे जितने भी अल्फाबेट्स दिए ना बच्चे, इनके ऑपोजिट्स लिखे हुए। दो चीजें होती हैं कोड का पता लगाने के लिए। एक कहता है प्लेसमेंट का पैटर्न, यानी किसी भी अक्षर का जो भी कोड रखा गया है वो कहाँ रखा गया और क्यों रखा गया। और दूसरा होता है कोडिंग पैटर्न। मान लीजिए ए को बी लिखा जाए, बी को सी लिखा जाए, ए को बी लिखने का अर्थ हुआ एक अक्षर आगे लिख रहे हैं, है ना। यहां पे देखें तो ऑपोजिट कोडिंग है, बहुत सिंपल। यदि आपको अल्फाबेट्स में ऑपोजिट पता है, यानी बाईं तरफ से पहला लेटर और दाईं तरफ से पहला लेटर जेड है, यानी ए और यहां पे जेड, बाएं से पहला अक्षर बी है और दाएं से पहला अक्षर वाई है, बाएं से पहला अक्षर सी है, दाईं तरफ से पहला अक्षर सॉरी दाएं बाईं तरफ से तीसरा अक्षर सी है और बाईं तरफ से तीसरा अक्षर एक्स है, बाएं से सेकेंड लेटर इज बी, फ्रॉम राइट हैंड साइड सेकेंड लेटर इज वाई, तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट होते हैं। ए एन जेड ऑपोजिट हो जाएगा, सी एन एक्स ऑपोजिट हो जाएगा, डी एंड डब्ल्यू ऑपोजिट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से फोर्थ लेटर है डी, और राइट हैंड साइड से यदि फोर्थ लेटर आप देखोगे तो डब्ल्यू हो जाएगा। पर ये आपको याद होने चाहिए। अब अगर आपको याद है अच्छे से, आप समझते हो उसको, तो यहाँ पे इजीली आप देख सकते हो। यहाँ पे आर जो लास्ट लेटर लिखा हुआ है, इसका ऑपोजिट आई यहाँ लिखा है, सी का ऑपोजिट लेटर यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, एच का ऑपोजिट लेटर एस लिखा हुआ है, आई का ऑपोजिट लेटर आर लिखा हुआ है, एंड ए का ऑपोजिट लेटर होता है जेड, वो लिखा हुआ है। अब अगर आपको पता है ऑपोजिट्स के बारे में, जानते हैं, तो आप आसानी से निकाल ले जाएंगे। ऑपोजिट्स याद करना होगा, और वो कैसे याद करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा, और नहीं भी याद है तो भी निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सी एन एक्स ऑपोजिट प्लेस करने का क्या तरीका है। पहला अक्षर यहाँ पे, उसका कोड आखिरी में, आखिरी अक्षर का कोड कहाँ रखा गया बच्चे, पहले स्थान पे, दूसरा अक्षर उसका कोड आखिरी से सेकेंड पोजिशन पे, यहां से राइट साइड से सेकेंड लेटर का कोड स्टार्टिंग से सेकेंड नंबर पे रखा गया। यानी आप ऐसे कह सकते हो सारे लेटर के ऑपोजिट ले लीजिए और उसको उल्टा करके लिख दीजिए। पर ये निगाह में कैसे आएगा उसके लिए आपको समझना होगा, और वो मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। तो टी का ऑपोजिट जी आखिरी में आना चाहिए, ए का ऑपोजिट जेड होता है यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आना चाहिए आखिरी से, बी का ऑपोजिट वाई तुरंत उसके नीचे आएगा, एल का ऑपोजिट होता है ओ यहाँ पे आएगा, ई का ऑपोजिट होता है वी यहाँ पे आएगा। सो वी ओ वाई जेड जी, जो कि किस ऑप्शन में दिया, दैट्स गिवन इन ऑप्शन बी, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। उम्मीद कर रहा हूं इतना आपको समझ में आएगा। तो ये कोडिंग एंड डिकोडिंग है। ऐसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के लिए भी, टॉपिक के इस टॉपिक के लिए भी बहुत बढ़िया सा ट्रिक है। अभी आपसे कोई बोल दे मोहन स्टार्टेड वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर ही टर्न्स हिज राइट एंड वॉक फॉर 7 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक फॉर 9 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को बिना डायग्राम बनाए हुए यू कैन सॉल्व ओरली, एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आपको वो मेथड मैं बता दूंगा, इवन दो मैं आपको बताऊंगा जब कोर्स हम लोग कर रहे होंगे, देन आई विल डेफिनेटली टेल यू कि ऐसे प्रश्न को जुबानी आप सॉल्व कर सकते हैं। देयर इज अ मेथड। जनरली जो भी बच्चा ऐसे क्वेश्चन को कर रहा होता है वो कैसे करता है, वो करेगा डायग्राम बना के। मोस्टली जिनको ये विधि के बारे में नहीं पता है वो डायग्राम बना के करेंगे। पर हाँ, हम बेसिक समझेंगे, देन वील कम टू द शॉर्ट ट्रिक कि ऐसे प्रश्नों को हम जुबानी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई चीज ओरली सॉल्व हो सकती है तो आपको पता है कि वो आपके दिमाग में ही कैलकुलेट हो सकता है, और अगर वो दिमाग में ही कैलकुलेट हो सकता है तो दिमाग तो सुपर कंप्यूटर से भी तेज है, डेफिनेटली आप बहुत फास्ट उसको कर सकते हैं। और वहां पे जो है वो आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा टाइम का, और एग्जाम में जो समय होता है ना बहुत कीमती होता है। इवन दो अगर आप 1-2 सेकेंड किसी क्वेश्चन के पीछे बचा ले जाते हैं, वो समय आपके उन प्रश्नों में बहुत ज्यादा काम आते हैं, और बैलेंस भी ऐसे ही एग्जाम होता है, उन प्रश्नों में बहुत काम आते हैं जिन प्रश्नों में आपको ज्यादा समय लगता है। मान लीजिए फिलहाल के लिए आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें आपने समय बचा लिए, बाकी लोगों के कंपैरिजन में 2-3 सेकंड बचा लिए, या 5 सेकंड 10 सेकंड आपने सेव कर लिए दूसरे लोगों के कंपैरिजन, वो 10 सेकंड का जो आपका समय है ना वो दूसरे प्रश्नों पे लगा सकते हैं जहां पे आपको थोड़ी समस्या हो रही है, जहां पे आपको ज्यादा ठहराव की जरूरत है। तो पेपर को कुछ ऐसे ही बैलेंस करते हैं। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है जहां पे आप ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं,
उन ट्रिक्स के द्वारा बचाया गया जो समय है वो आगे दूसरी जगह पे अप्लाई करके, जहां पे कम समय की वजह से प्रश्न गलत हो सकता था, वही प्रश्न अब चूंकि आपने कुछ समय बचा लिए हैं, वो एक्स्ट्रा टाइम आप लगाकर उसी प्रश्न को सही कर सकते हैं। ये तरीका होता है एग्जाम को क्लियर करने का। खैर, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अब कोडिंग एंड डिकोडिंग से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की यदि हम बात करें, तो यहां पे लेकर 1 से लेकर 5 प्रश्न तक आपकी कोडिंग एंड डिकोडिंग से बनते हैं। देन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बात करें, तो यहां से लेकर जो है 1 से लेकर 3 प्रश्न क्वेश्चन तक आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड बनते। ऑर्डर एंड रैंक की बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत बार फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें भी ट्रिक है, बोल देगा कि एक व्यक्ति दाईं तरफ से 17वें स्थान पे है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई लेफ्ट हैंड साइड से 12वें पोजीशन पर है, जेड बिल्कुल मिड में है, और जेड बिल्कुल मिड में है तो जेड का स्थान आपको राइट साइड से बताना है, यदि टोटल जो नंबर है दैट इज 35। कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन सभी प्रश्नों के लिए आपके पास बहुत आसान तरीका होता है। ब्लड रिलेशन में एक क्वेश्चन आता है जो कि कोडेड ब्लड रिलेशन के रूप में जाना जाता है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा जो है वो गाइड करूंगा। कोडेड ब्लड रिलेशन आता है। अब कोडेड ब्लड रिलेशन का बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोडेड ब्लड रिलेशन